नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, सामाजिक लोगों द्वारा किया सूचित रक्तदान। खबर चंदौली जनपद चेकिया से, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को क्षेत्र में रक्तदान को लेकर जहां जागरूक किया जा रहा था, तथा सामाजिक लोगों के प्रेरणा से बुरासी ब्लड पॉइंट के तत्वाधान में चिकित्सकों की टीम द्वारा चेकिया में रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें चिकित्सकों की टीम द्वारा रक्तदानों को चेकअप करके रक्तदान करवाया गया, जिसमें क्षेत्र के सामाजिक लोग युवाओं द्वारा रक्तदान का शिविर में रक्तदान किया गया था, तथा रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए रक्तदान करने की अपील की जा सके, जिससे आपके एक रक्तदान से किसी के जीवन दान मिल सकता है। रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आदेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। कैलाश प्रसाद जायसवाल। ये क्या कार्यक्रम किया गया आप लोग के द्वारा? ये एक रक्तदान का कार्यक्रम किया गया है। रक्तदान मैं समझता हूँ कि सभी दानों से बड़ा दान होता है रक्तदान। एक रक्तदान से कम चार जिंदगी बचाई जा सकती है। अभी तक हमने अपने जीवन में 8 से 9 बार रक्तदान किया है, और ये जो ब्लड पॉइंट है ना, आप लोग वाराणसी ब्लड पॉइंट संस्था के सौजन्य से इस बार ये चकिया नगर के उत्साही युवा अपना रक्तदान कर रहे हैं यहाँ पे। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सक्षम श्रीवास्तव है, मैं चकिया तहसील में रहता हूँ। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है आप लोग का? आज वाराणसी ब्लड पॉइंट द्वारा चकिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो सरस्वती शिशु मंदिर किले के पास है, वहीं पर हो रहा है। और इसमें मैं हासिम जी मुख्य रूप से शामिल हैं, और भी अन्य लोग अपना पूरा संपूर्ण जो है दे रहे हैं इसमें। अब आगे अभी डोनर लोग ब्लड दे रहे हैं, इसके बाद इस कार्यक्रम को और अच्छे से और बड़े स्तर पर किया जाएगा। मैं आगे भी अगर कोई रक्तदान देना चाहता है या अपना रक्त जो है सेवा में देना चाहता है किसी अन्य मरीज के या किसी का जीवन बचाने के लिए, तो मैं उससे अनुरोध करूँगा कि वह हमसे संपर्क करें।